भाई गोवा आ रखा है एक फ्री स्पॉन्सर ट्रिप में भाई। एक लग्जूरियस होटल में स्टे है मेरे भाई, इसमें मेरे रूम की बालकनी में, ये तो देख लो मेरी बालकनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरा सी दिखता है भाई, पूरा गोवा का बीच। मेरा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर होता है भाई सी साइड, नेक्स्ट लेवल चीज, ऐसी लाइफ चाहिए। मैं सारी ये ब्लॉगिंग सिखाने को तैयार हूँ, बट उसके लिए मैं एक वर्कशॉप ले रहा हूँ और वर्कशॉप अटेंड करनी तुम्हारी जरूरी है। मेरी प्रोफाइल है, ये एक फॉर्म है, भर दो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बस आ जाऊंगा। तुम्हारा भाई गोवा आ रखा है एक ऐसी गाड़ी को रिव्यू करने, एक ऐसी गाड़ी को जो अपने सेगमेंट में भाई जान ले लेगी। ये गाड़ी का नाम है भाई टाटा अल्ट्रॉस। अब भाई मैं इसके फीचर दिखाता हूँ, नेक्स्ट लेवल। पहले ये बाहर से देखो भाई, इसकी शेप देखो। दूसरा, घड़ी है मेरे हाथ में अल्ट्रॉस की, जो इसकी चाबी एक्ट करती है। ये देखो, ये डायरेक्टली दरवाजा खुल गया। बाकी गाड़ियों का दरवाजा सिर्फ ये 45-75 डिग्री तक खुलता होगा, ये भाई बिल्कुल 90 डिग्री तक खुलता है, ताकि कोई हैंडीकैप भी है तब भी वो आराम से अंदर जा सके। सलाम है यार टाटा। जब तुम्हें पता, तुम खाना खाते खाते कमा सकते हो, कैसे? फूड ब्लॉगर से। इंडिया का बेस्ट फूड ब्लॉगर मिस्टर सुकित से मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि भाई फूड ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। पहले तो देखो खाने के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? पता चले तो मैं किचन में शाही पनीर बना रहे हो, तुम कह दो कि बहुत बढ़िया है, बट भाई कैसे बन रहा है ये तो जानो। हाँ हाँ। फिर उसकी क्वालिटी मैटर करती है, तुम फोटो जो खींचते हो ना उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे डालोगे। और फिर आएगा रिव्यू, रिव्यू लिख सकते हो प्लेटफॉर्म्स पे और उससे तुम्हें इनवाइट मिलेगा रेस्टोरेंट्स के और कमाई होगी भाई। जब हम बीच पे होते हैं या फिर सन के सामने होते हैं, हम टैन हो जाते हैं और गंदी तरह से ना काले हो जाते हैं। वो चीज हम साफ करने की कोशिश करते हैं, रोज नहाते हैं, बट 4-5 दिन लग जाते हैं। और खुद अपने आप से सच बोलो भाई, उसके लिए पता क्या करना है, रोज हिप ऑयल एक चम्मच आर्गन ऑयल पूरा पहले अपने शरीर पे मल दो। नहाओगे ना, जैसे थे ना, जितने गोरे थे उतने गोरे हो जाओगे, धूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा टिकटॉक का बायो चेक करो। हम बीच पे होते हैं या धूप के सामने होते हैं, हमारे अंदर डर रहता है कि यार हम काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। तुम्हारा भाई बेखौफ घूम रहा है, क्यों? तुम्हारे भाई ने सनस्क्रीन नहीं लगाई, क्योंकि तुम सच बताओ अपने आप से, सनस्क्रीन लगाने से भी टैन होते हो, काले होते हो। तुम्हारा भाई पता क्या लगाता है, कोकोनट, जो कोकोनट मिल्क होता है ना, उसके अंदर विटामिन की एक गोली और एक चम्मच एलोवेरा जेल मुंह पे लगाएगा या हाथ पे लगाएगा और 1% टैन नहीं होगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए टिकटॉक के मेरे बायो को चेक करो।